कठिन समय में ज्यादातर व्यक्ति रास्ता खोजते हैं और कमजोर व्यक्ति बहाना। आज की राशि कैंसर साइन राशि वालों के लिए बहुत खास है। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं कर्क राशि सितंबर महीना 2024 यानी कैंसर मंथली प्रेडिक्शन सितंबर 2024 आपके लिए कैसा रहेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं यशपाल जंजोगा और आप देख रहे हैं इफेक्टिव एस्ट्रोलॉजी। सबसे पहले बात करते हैं आपके ग्रहों की दशा की, अब बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की। तो इस महीने जहां एक ओर आपकी यात्राओं के योग बन रहे हैं, वहीं आपको पेट से जुड़ी समस्याएं रह सकती हैं, इसलिए आपको खाने पीने का विशेष ध्यान रखना होगा। इसके अलावा आपको कभी कभी सिरदर्द जैसी समस्याएं रह सकती हैं। करियर कार्य क्षेत्र की बात करें तो मंगल से प्रभावित सितंबर 2024 में यात्राओं के योग बन रहे हैं, जहां एक तरफ आप किसी बड़ी कंपनी से जुड़ सकते हैं तो वहीं दूसरी तरफ आप विदेश यात्रा भी कर सकते हैं। इस महीने मन के विपरीत होकर आप कार्य करेंगे और खर्चों की भरमार भी सितंबर 2024 में देखी जा सकती है, इसलिए इस महीने आप नौकरी में परिवर्तन के बारे में सोच सकते हैं। लव रिलेशन यानी प्रेम प्यार की बात करें तो इस महीने आपको बहुत सोच समझकर बोलना है, क्योंकि आपके द्वारा बोले गए शब्द समस्याएं उत्पन्न कर सकते हैं, हालात बिगाड़ सकते हैं, आपका झगड़ा करवा सकते हैं, परंतु गुरु आपके रिलेशन को संभालेंगे। मगर इस महीने आपको अपने गुस्से पर काबू करके रखना होगा। शिक्षा कर्क राशि के विद्यार्थियों के लिए सितंबर 2024 कैसा रहने वाला है, आइए जानते हैं। इस महीने आपकी शिक्षा को लेकर बहुत उम्मीदें हैं, इच्छाएं भी हैं। इसके साथ साथ गुरु के प्रभाव से आप में ज्ञान भी रहेगा, मगर दूसरी तरफ बैठे राहु आपको कंफ्यूज करेंगे। जहां गुरु के प्रभाव से आप इस महीने नए नए आइडियाज और अच्छे अच्छे फैसले ले सकते हैं, वहीं राहु के कारण आपको फैसले लेने में समय लगेगा, मगर फिर भी शिक्षा के लिए समय अच्छा रहेगा। बस लोगों की बातों पर भरोसा नहीं करना है। बिजनेस या व्यापार करने वालों के लिए यह महीना अच्छा रहेगा। बिजनेस करने वालों के लिए सितंबर के महीने में कोई समस्या नजर नहीं आ रही है। मैरिड लाइफ यानी वैवाहिक जीवन की बात करें तो इस महीने मैरिड लाइफ आपकी अच्छी रहेगी, परंतु थोड़ा बहुत चिड़चिड़ा स्वभाव गुस्सा आप में रह सकता है। दोस्तों, आपको जो राशिफल बताया जाता है वो एक जनरल राशिफल होता है, जो लाखों कर्क राशि वालों के लिए एक जैसा होगा, परंतु आपकी जन्म कुंडली का एक विशेष महत्व है, इसलिए आपके कुंडली में ग्रहों की क्या स्थिति है इस बात पर भी आपका राशिफल निर्भर करता है। अब बात करते हैं भाग्य की। भाग्य की बात करें तो आपके भाग्य भाव में बैठे राहु आपके कार्यों में देरी कराएंगे, रुकावटें पैदा करेंगे, मगर भाग्य भाव के स्वामी गुरु आपके भाग्य को संभालेंगे, आपके कार्य पूरे करवाएंगे। अगर कोई शुभ कार्य, मांगलिक कार्य या कोई बड़ा फैसला लेना चाहते हैं तो महीने के पहले दो सप्ताह अच्छे रहेंगे। अब बात करते हैं इस महीने के उपाय की, मगर उससे पहले अगर आपने वीडियो लाइक नहीं किया तो वीडियो लाइक करें, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें ताकि अगली वीडियो आपको समय पर मिल सके। इस महीने के उपाय में आपको चंद्रमा और मंगल के बीज मंत्र का जाप करना है, इसके साथ साथ हनुमान चालीसा का पाठ करना आपके लिए उत्तम रहेगा। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगली वीडियो में जल्द हाजिर होंगे, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।